हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक बॉक्स टॉक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूट्यूब ब्रांडिंग का जो लोगो है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने तरीके से उसे सेट कर सकते हैं, और ये ब्रांडिंग लगाने का क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत कीजिए। उसके लिए आपको जो है पिक्सल लैब ये ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। ट्रस्टेड ऐप है, और इसमें ये डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले हम लोग को बैकग्राउंड चूज़ करना है। हम लोग रेड बैकग्राउंड चूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग जो एज अ ब्रांडिंग जो है सब्सक्राइब का लोगो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब का लोगो क्रिएट करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे सब्सक्राइब। टाइप करने के बाद में हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे फ्रेंड्स, इसको रिसाइज करेंगे। ये जो हम लोगो कस्टमाइज़ कर रहे हैं सब्सक्राइब का, ये आपको ऑलरेडी बहुत से मिल सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन हम हमारी एंड से, हमारी ओर से, हमारी तरीके से हम इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें दिखने में और भी अच्छा लगेगा। जो मैं कस्टमाइज कर रहा हूं ये मैं ज्यादा इन डिटेल नहीं करूंगा, छोटा सा एक कस्टमाइजेशन आपको मैं बताऊंगा, आप अपनी एंड से, आपके तरीके से भी आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फिलहाल हम एक अच्छा सा फॉन्ट इसके लिए चूज करेंगे। YouTube का सब्सक्राइब बटन अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड इसका रेड होता है और व्हाइट कलर में जो है फॉन्ट का व्हाइट कलर होता है, तो उसी तरीके से हम करेंगे। ये आइडेंटिकल लगेगा तो लोगों को समझने में आसानी होगी। क्या समझने में आसानी होगी उसके लिए आपको वीडियो पे बने रहना होगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब का लोगो जो है वो रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। 150 बाय 150 का साइज हमें सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स, वही इसके लिए अप्लीकेबल होता है लोगो के लिए। आपके लिए जो चाहिए उस तरीके से आप जो है साइज जो है चूज कर सकते हैं पिक्सल लैब में। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पिक्सल लैब का यूज करके जो है थंबनेल बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका जो है आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ नोट करें कि जो भी वीडियोस डेस्कटॉप पे, पीसी पे, लैपटॉप पे देखे जाएंगे तो उसी वीडियो में ये लोगो शो होगा। ब्रांडिंग अनेबल करने के लिए आपको जो है यूट्यूब स्टूडियो में आना है और नीचे की तरफ जो है आपको एक सेटिंग का बटन दिखता है, उस पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में जो आपको ऑप्शंस आते हैं उसमें आपको चैनल पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। चैनल पे टैप करने के बाद में आपको ब्रांडिंग पे टैप करना है फ्रेंड्स। ब्रांडिंग पे टैप करने के बाद में अगर आपका ऑलरेडी आपने जो है लोगो सेट किया है तो वहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, रिमूव का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। लोगो शो होने के लिए आपको तीन ऑप्शन मिलता है कि एंड ऑफ दी वीडियो कस्टमाइज, आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि वीडियो की लेंथ में आपको कहाँ से कहाँ तक का जो है लोगो अपियर होना चाहिए, और एक होता है इंटायर वीडियो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंटायर वीडियो पे चूज करें। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद में ये आपका गैलरी में रिडायरेक्ट होगा फ्रेंड्स। गैलरी से जो है फ्रेंड्स हमने जो अभी कस्टमाइज किया है लोगो वो हमें पिक करना है। इस लोगो का बेनिफिट ये होगा फ्रेंड्स कि अगर कोई आपका वीडियो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वॉच कर रहा है, देख रहा है, और अगर इस लोगो पे अगर वो टिक करता है तो डायरेक्टली वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इस तरीके से आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के और भी चांसेस बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। सब्सक्राइब का लोगो जो है वो सेव हो गया है। अभी हम चैनल पे जाके चेक करेंगे एज अ व्यूअर के किस तरीके से अपियर होता है, क्योंकि मैंने मेरा फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में व्यू डेस्कटॉप साइट पे टिक करके रखा है, इसलिए ये एज अ डेस्कटॉप साइट अपियर होगा। सो हम youtube.com पे टेकबॉक्स टॉक के लिए सर्च करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो वीडियो प्ले हो रहा है इसके राइट बॉटम में आपको सब्सक्राइब का लोगो दिख रहा है। आपके चैनल का लोगो भी आप एज अ ब्रांडिंग रख सकते हैं फ्रेंड, बट सब्सक्राइबर का जो बटन है वो रखने से ये फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि अगर किसी को नहीं पता है कि यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया है, इसका मतलब यहाँ से भी सब्सक्राइब हो सकता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कंटेंट्स को लाइक एंड शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। आपका वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।